खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों ने जहां आम आदमी पार्टी को तीसरी बार सत्ता की चाबी सौंप दी है, तो वहीं नतीजों ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। देश की राजधानी की विधानसभा में सत्ता की चाबी बीजेपी हर हाल में अपने पास रखना चाहती थी, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। यहां तक कि 70 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी दहाई के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई। 3 से बढ़कर वो 8 पर पहुंच गई। लोकसभा चुनाव के बाद अब तक हुए विधानसभा चुनाव में सिर्फ हरियाणा में बीजेपी जैसे तैसे जीती है, बाकी के सभी राज्य उसके हाथ से निकल गए। अगर पिछले 2 साल पर नजर डालें तो बीजेपी और एनडीए के हाथ से 6 राज्य एक एक कर निकल गए। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 4 राज्यों में चुनाव हुए थे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम। इनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी के हाथ से सत्ता निकल गई। लोकसभा चुनाव में एक और राज्य से बीजेपी और एनडीए बाहर हो गई। आंध्र प्रदेश में बीजेपी तेलुगु देशम के साथ सत्ता में थी, लेकिन चुनाव से पहले टीडीपी ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। विधानसभा में आंध्र प्रदेश की सत्ता से बीजेपी के साथ साथ टीडीपी भी बाहर हो गई। लोकसभा चुनाव के बाद हुए विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी को जैसे तैसे जीत मिली, लेकिन झारखंड में वो सत्ता गंवा बैठी। महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर भी वो विपक्ष में बैठी। इस तरह से उसने एक के बाद एक 6 राज्य अपने हाथ से गंवा दिए। और सीधा रुक करते हैं अनामिका का एक बार फिर से। अनामिका, बीजेपी की अगर हम बात करें तो लगातार लोकसभा चुनाव से पहले भी और लोकसभा चुनाव के बाद भी कई राज्यों में जो हार उसको झेलनी पड़ रही है, और कहें कि जो एक तरीके से चुनाव का ये जो मैच है वो बीजेपी के हाथ से फिसल जाता है जब नतीजे आते हैं, तो ऐसे में एक संकट की स्थिति बीजेपी के लिए, क्योंकि इन जहाँ जहाँ की हम बात कर रहे हैं अपनी भूमिका में, जहाँ जहाँ की हमने बात की, वहाँ वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी को चेहरा रखकर जो है उनके नाम पर जो है वो कैंपेन किया गया और कोशिश की गई कि केंद्र में जो जीत मिली उसी तरह से राज्यों में भी जीत मिले, लेकिन ऐसा बीजेपी के लिए दुर्भाग्यवश हो नहीं पाया। अच्छी, बिल्कुल भुवन, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। बात करते हैं लोकसभा चुनाव की, प्रचंड बहुमत के साथ आई विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी बीजेपी, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं संगठन की बात होती है, निश्चित ही मैनर्ड संगठन है बीजेपी। बावजूद इसके यदि हम बात करें एनडीए की, बीजेपी को अलग रखते हैं, एनडीए को अलग रखते हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए भुवन, अंतिम कुछ समय में मोदी शाह की जो जोड़ी है कहीं ना कहीं वो एनडीए को मैनेज करने में नाकामयाब रही, और धीरे धीरे करके आप अलग अलग राज्यों पर ध्यान दीजिए तो आप पाएंगे कि एक एक करके जो उसके सहयोगी दल थे वो धीरे बीजेपी से पृथक होने लगे। आप दिल्ली विधानसभा चुनाव अभी हाल में गुजरा है, कल की बात है, आप देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव हटा के अकाली दल जो कल तक भाजपा के निशान से लड़ती आई है, इस विधानसभा चुनाव में उसने खुद को भी भाजपा से अलग कर लिया है। इसके अलावा आप महाराष्ट्र उठाकर देखिए, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने के बावजूद इस वक्त बीजेपी जो है विपक्ष में बैठी है, झारखंड भी उसके हाथ से निकल गया। तो कहीं ना कहीं बड़ी बात यह है कि आप देखिए मोदी और शाह की जो जोड़ी है वो जो अपने सहयोगी दल है उनको जोड़कर रखने में कामयाब साबित हो रही है, और यह भी निकलकर सामने आ रहा है कि क्या आने वाले समय में बीजेपी जो है वो खुद को एक सिंगल पार्टी के रूप में है वो खड़ी करने की सोच रही हो। लेकिन यदि बात करें हम राष्ट्रीय अध्यक्ष की, तो देखिए गृह मंत्री के रूप में, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अमित शाह जो है एक सही जो कार्यकाल था वो चलता ही आ रहा था, और निश्चित ही कुछ एक बड़ी वजह रही होगी कि अचानक से बात करें कि जेपी नड्डा जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाते हैं, कहीं ना कहीं मोदी शाह जो है उनकी जोड़ी अपने सहयोगी दल को जोड़ने में कामयाब नहीं है। इसके बाद विधानसभा चुनाव दिल्ली सामने था और उसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव है, तो देखिए 6 बड़े राज्य जो है वो बीजेपी के हाथ से निकल गए। एमपी की बात करते हैं, राजस्थान जैसे जो जगह है, इसके अलावा छत्तीसगढ़, तो जो बड़े राज्य है वो निकल गए हैं इस वक्त बीजेपी के हाथ से। तो निश्चित ही आने वाले समय में अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में भी बीजेपी की स्थिति कुछ खास नजर नहीं आती है। अगर वो जेडीयू के साथ गठबंधन करती है तो बात अलग होगी देखने की। तो भुवन, कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि बीजेपी अपने सहयोगी दल से जो है पृथक हो रही है और संगठन जो है वो धीरे धीरे कमजोर होता दिख रहा है। शायद ये वजह हो सकती है कि बड़े राज्यों में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है।